इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए छोटे से छोटे मुद्दे भी बड़े बनते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए तो जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ट्विटर पर सामने आए। उन्होंने सीएम योगी को टारगेट पर लिया। श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सोच और विचार ही विघटनकारी है। पत्रकारों से मित्रतापूर्ण बातचीत में राहुल गांधी ने तो यह भी कहा कि यूपी का लंगड़ा आम उन्हें पसंद है। देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग देश के फलों का भी राजनीतिक विभाजन करने में लगे हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये आम पर जो सियासत हो रही है वो स्वतंत्र देव सिंह के ताजा बयान के बाद थमेगी या इसे भी और आगे जाना है? देखिए, हुसैन, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद करीब हैं, लिहाजा ये लग रहा है कि आम को लेकर के राहुल गांधी का जो बयान सामने आया उसके बाद से निश्चित तौर पर लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर काफी आक्रामक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और अब से कुछ देर पहले बौद्ध मंदिर पहुंचे थे आज गुरु पूर्णिमा के दिन यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने राहुल गांधी को बहुत कुछ दिया है, उत्तर प्रदेश के आम से भी उनको प्यार करना चाहिए, उनको मोहब्बत करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलेक्शन बहुत करीब है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आ चुका है, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान आ चुका है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी कम से कम आम के मामले में सियासत रुकने वाली नहीं है और बहुत उम्मीद की जा सकती है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी बल्कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार आक्रामक जवाब इस मामले पे न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी झेलने पड़ सकते हैं। और आम की सियासत के बीच आम आदमी सोच रहा है कि उसके मुद्दे आखिर कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।